नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी। राजभर जी, राष्ट्र न्यूज चैनल में स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल्स को आपने 2023 के नए साल में आज मुझे आपके चैनल में आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपकी। है। अभी आपका जो पटना में रैली संपन्न हुई, उसके बाद आपका फिर रैली शुरू हो गया है, ये मकसद क्या है? देखिए, ये रैली सर पटना में समाप्त हुआ ना, अभी जो रैली चल रहा है बिहार का, जितने भी 38 जिले हैं, 38 जिले में लगातार कार्यक्रम है। और इसका मिशन यही है कि बिहार में सभी जातियों की मिलाकर आबादी 13 करोड़ है, जिसमें हमारे समाज की यहाँ पे इतने उपजातियों में विभाजित है, जिसके लेकर के हमको कोई जानता पहचानता नहीं। लेकिन ये हमारी संकल्प है कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें चाहे हमारे रजवार राजवंशी राजभर, चाहे भर राय मंडल बिहार, जितने हैं सारे हमारे समाज की उपजातियां हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने पूरे अलग अलग जिले में दौड़ा कर रहे हैं। किसी भी जिलाधिकारी से जब हम लोग बात करते हैं अपने जाति के बारे में, तो सीधे हमें निगलेक्ट कर देता है, बोलता है कि बिहार में इस आपके जाति के लोग रहते ही नहीं। लेकिन जब हम लोग सर्च करना, अभी मैं जहां मैं पूर्णिया में हूँ श्रीमान जी, अब पूर्णिया में मैं पहुंचा तो पहले पता चलता था कि पूर्णिया में आपके रहते नहीं है यहाँ, लेकिन लाखों लाखों की संख्या में लोग हैं। आपको 10 तारीख को ये जलवा दिखाई देगा, और एक मिशन है बस केवल कि यदि सभी समाज के लोगों को हक अधिकार मिल सकता है, तो हमारे भी समाज के लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए। और बिहार अपनी में दो तो हजार चौबीस जी 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 बोलिए 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 बोलिए। 2024 में अपने झंडे बैनर तले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बिहार से सांसद चुन करके इस बार दिल्ली में भेजना, बस यही उदयनारायण राजभर प्रदेश अध्यक्ष का मकसद है। अभी जो आप बोल रहे थे, तो बिहार में तो जातिगत जनगणना शुरू हो गई है ना? अभी जातिगत जनगणना शुरू नहीं हुआ, अभी घर घर गणना शुरू हुआ है। ये लोग कह रहे हैं जनगणना नहीं गणना होगा, तो ये गणना जो शुरू हुआ है, इसीलिए हम अपने लोगों को समझा रहे हैं पूरे घूम घूम करके कि भाई अब से अलर्ट हो जाओ, जितने भी विभाजित हो एक सूत्र में आ जाओ, अपनी शक्ति को पहचानो। आप राजा की औलाद हो, अब राजा बनकर पीछे घूमना बंद करो, खुद अपनी लड़ाई लड़ना सीखो। इसीलिए दर दर हम लोग पूरे एक एक गांव का एक एक दरवाजा खटखटा रहे हैं कि सावधान हो जाओ। इसीलिए हम लोगों ने सावधान रैली निकाल करके बिहार को सावधान कर दिए, अलर्ट हो जाओ और सत्ता में पहुंचने का समय आ गया। तो जो बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं, घर घर गणना हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या छलावा है बिहार प्रदेश सरकार की? देखिए, अभी ये लोग घर का गणना कर रहे हैं, ये जो गणना की अब कह रहे हैं कि मार्च के बाद होगा। धीरे धीरे ऐसा ना हो कि फिर पता चला कि खाली घर की गणना करके, और जहां जाति गणना करना है उसका कहेंगे अब चलो अब चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो अभी तो साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है बिहार में कि करना क्या चाहते हैं लोग। और यदि गणना होता है तो मैं आपकी पहले भी चैनल में बोला था कि इस जाति जनगणना में यदि सबसे बिहार में लाभ होगा, तो राजभर राजवार राजवंशी वर्मा मंडल चौधरी परिहार राजधोब लिखने वाले जो हमारे उपजातियां हैं, इसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ये बहुत बंटे हुए थे, सभी को एक सूत्र में ये लोग आ जाएंगे। तो जो आप घर घर जाके कर रहे हैं, तो ओपी राजभर का भी बिहार दौरा शुरू होने वाला है, तो ओपी राजभर का मकसद क्या होगा, जो अभी से शुरू होगा बिहार जाने का मकसद? ओपी राजभर का एक मिशन है, इस देश में यदि जो भी जातियां निवास करती है सभी समाज के लोगों को अधिकार मिल रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा बिहार के अंदर खास करके राजवार राजवंशी राजभर समाज के लोगों ने ऐसा कौन सी गुनाह कर दिया है कि जब जब चुनाव आता है सभी जाति के लोगों को, चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे रामविलास की पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो,
जब चुनाव आता है तो सभी लोगों को बुला बुला करके वो लोग टिकट देता है, लेकिन कौन सा ऐसा बिहार के हमारे समाज के लोगों ने गुनाह किया कि कोई भी आज तक से पूछता तक नहीं है कि भाई ये भी लोग निवास करते हैं तो इनको भी टिकट मिले। तब हमारे समाज के लोग जग चुके हैं, अपने झंडे बैनर तले, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले हम लोग लड़ करके अपने समाज के लोगों को इस बार वहां तक पहुंचाने का, यही सारे बिहार में माननीय हम लोगों के गार्जियन ओम प्रकाश राजभर जी की सोच है, इसी को लेकर बिहार में वो लगातार दौड़े पर हैं। अभी आपके जो बिहार के सीएम है बोले थे कि जो पिएगा मरेगा। देखिए वही बोल दिए कि जो पिएगा वो मरेगा, तो उसका काम ही वही है। जितना दारू जब स्टार्टिंग में था, जब बिक रहा था, उस समय जो है कि इतने लोग नहीं मरते थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने दारू बंद किया, उसके बाद तमाम जो है गांव में दारू अवैध तरीके से बना करके गरीब तबके के लोग ज्यादा पी रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर हानियां हुई है। और उनको क्या पता है, कहा गया है कि उनको इसलिए नहीं दर्द है कि वो तो उनके जो लड़का खुद ही ब्रांडेड दारू पीता है और मंगा करके उनके घर में आकर के पीता है, वो गांव वाला जब महुआ वाला गुड़ वाला पीता ना, तभी भी उसका लड़के को समझ में आ जाता है। लेकिन वो जिसके दर्द होता है ना वो समझता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की पीड़ा है नहीं। लेकिन 24 के बाद उनकी वो पीड़ा होगी ना कि उनके शरीर में कीड़ा भी पड़ जाएगा, आप देखते रहिए। इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो बतिया बता रहे हैं कि उनका लड़का तो राजनीति में है नहीं, फिलहाल वो राजनीति से दूर राजनीति रहते में हैं। नहीं है उनका, उनके हाईलाइटेड हुआ था दारू का, कि दारू पी करके पूरा जहां जाते हैं दारू पीता है वो, इसीलिए जो है कि अभी बिहार में जो दारू बंद तो है, लेकिन दारू बंद चालू जितना था उससे उतना बिहार गवर्नमेंट को लाभ नहीं था, उससे ज्यादा पर्सनल लाभ इस नीतीश कुमार को है, क्योंकि अवैध कारोबार उनके विधायक सांसद करा रहे हैं। आप यहाँ सर्वे करिए तो उससे ज्यादा उन्हीं लोगों के लोग पी रहे हैं और बेचवा भी रहे हैं। अभी देखे होंगे छपरा में जो दिखाया कि 80-85 लोग मरे हैं, लेकिन मैं वहां जाकर सर्वे कराया अपने टीम लगा करके, मैं खुद वहां था, वहां कैंपिंग में कर रहा था छपरा में बिहार के, और वहां पर देखिए 500 से ज्यादा लोग एक्सपायर किए दारू से, लेकिन ये उसको ओपनिंग नहीं होने दिया, शासन प्रशासन के लोगों से दबाव बनाया कि आप इसको ज्यादा उजागर ना हो। जैसे देखे होंगे कोरोना काल में ज्यादा लोग मरते थे, दिखाया कम जाता था, इसी तरह से बिहार में इतने ज्यादा मर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने प्रशासन दबाव बना करके ये नहीं दिखाने देता है। अभी तो देखिए खरमंडल चल रहा है, अभी तो हमें नहीं चलता है कि ये सरकार चलेगा गठबंधन का कि नहीं चलेगा, अभी पूरे बिहार में उथल पुथल मचा है। अब 24 आते आते देखिए ये लोग खुद ही अपने आप में लड़ाई जंग छिड़ गया है, उसकी लाभ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। जो बता रहे हैं तो नीतीश जी घोषणा कर चुके हैं कि अगली बार जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाएगा, जबकि उधर की मांग है कि अभी से घोषणा कर दिया जाए और बना दिया जाए। वो तो खुद ही बोल रहे थे, वो तो पहले बोले जिस दिन बनाएंगे तो बोले कि हम 23 में छोड़ देंगे ये पद को, छोड़ देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी का ही विधायक जो है कि इनको रोज गाली दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। देखिए यहाँ के शिक्षा मंत्री धो रहा है नीतीश कुमार को, यहाँ के सुधाकर सिंह जो विधायक है रामगढ़ का, जिसका बाप प्रदेश अध्यक्ष, और जो बेटा जो है रात दिन है तेजस्वी और नीतीश को लथाड़ रहा। इन लोगों का जब अपने पार्टी में एक पर नहीं संभाल पाते हैं, इनकी पार्टी कितना दिन टिकने वाली है? अब टिकने वाली पार्टी नहीं है, अब बिकने वाली पार्टी है। अब घबराइए नहीं, अब उस जगह पर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब काबिज करेगी, तब इन लोगों को समझ में आएगा। इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं श्रीमान जी। तो जो बता रहे हैं कि 2023 में तो उधर से पूरा दबाव बन रहा है नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने के लिए, कि नहीं, कुर्सी तो छोड़ ही दीजिए। देखिए ये अब प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल वाला सपना नीतीश कुमार देखना शुरू कर दिए। यहाँ तक तो सीमित था कि चलिए कभी भाजपा कभी गठबंधन के यहाँ जा करके अपनी कुर्सी बचा लिए, अब इनको इस कुर्सी का लायक बिल्कुल नहीं रह गए हैं। अब इनकी जैसे जैसे इनकी उम्र ढल रही है वैसे वैसे इनके दिमाग खराब होते जा रहा है। अब ये सपना देख रहे हैं कि भाई हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिस दिन ये ख्वाब देख लिए
अब इसीलिए इनको डर पैदा हो गया, तभी कह रहे हैं नहीं अब 25 के बाद हम इस पद को छोड़ेंगे। अरे यहाँ 24 में लोकसभा चुनाव है, जब प्रधानमंत्री बनोगे तो 25 का क्या सोच रहे हो, 24 की तैयारी में चले जाओ, तो यहाँ छोड़ेंगे भी नहीं। और इधर बोल भी रहे हैं कि नहीं हम इस पद के अब हमें नहीं चाहिए, हमेशा ही कहते हैं कि हमें पद नहीं चाहिए, लेकिन उनको वही पद अच्छा लगता है, कहीं भी भाग कर जाएंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने की बस केवल कोशिश रहती है, बाकी का विकास नहीं विनाश की इनकी रास्ते पर चल चुके हैं, ज्यादा दिन ये टिकने वाले अब नहीं है। अध्यक्ष जी, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे समाज को? जो आपकी नई पारी 2023 में शुरुआत हो रही है 10 तारीख को, फरवरी में, क्या कहेंगे आप? क्या मैं नहीं समझ पाया सर, एक बार और सवाल करें। अभी 10 फरवरी का आपका जो ओम प्रकाश राजभर का दौरा हो रहा है बिहार में, जी इसको लेकर कुछ कहेंगे अपने समाज को, खास करके बिहार के लोगों को? देखिए, मैं बिहार के समस्त हमारे समाज के लोग, चाहे राजवार लिखते हो, चाहे राजवंशी लिखते हो, चाहे बर्मा लिखते हो, चाहे मंडल लिखते हो, चौधरी लिखते हो, परिवार लिखते हो, राय लिखते हो, भर लिखते हो, चाहे सिंह लिखते हो, मैं तमाम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चौबे दुबे पांडे मिश्रा सब समय पर एक हो सकते हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैं भी अपने समाज के, पूरे बिहार के समस्त समाज के से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर के, जब तक से आप विधानसभा और लोकसभा में अपने कोई भी बेटा और बेटी को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक से आपके समाज को हक अधिकार देने वाले बेईमान, चाहे कोई भी हो, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो, चाहे रामविलास की पार्टी हो, किसी ने हमको नहीं पूछता है, लेकिन इस 24 आते आते सभी के हम लोग नशा जो चढ़ा है, 24 में सबकी उतार करके अपने समाज का बेटा और बेटी को इस बार एमपी बनाकर बिहार के धरती से भेजने का काम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कसम खाई है, इस बार बिहार में अपने में भी तैयारियां चल रहा है। यही चाहूंगा कि जो 10 फरवरी के पूर्णिया में कार्यक्रम है, 10 फरवरी में ज्यादा से ज्यादा आप जो है चल करके काला भवन के मैदान में यहाँ पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करें, 15 फरवरी के बक्सर जिला में है, और 24 फरवरी को आपको रोहतास के सासाराम में है, और 20 मार्च को पश्चिमी चंपारण में है, लगातार सर कार्यक्रम बिहार में है, 2024 से पहले 3800 जिले के सभी जिले में कार्यक्रम करके फिर से दोबारा गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन करके अपने समाज के हक हिस्सा दिलाने के लिए, यही हमारा मिशन है, इसी मिशन को लेकर गांव गांव में हम लोग घूम रहे हैं। ठीक है, रात तक चैनल पर आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदयन।